महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अपने पैतरों के लिए जाने जाते हैं। वो कब कौन सी चाल चल दे और राजनीति में किसका पासा पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार एक सीक्रेट मीटिंग के चलते शरद पवार खुद निशाने पर आ गए और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी में ऐसी फूट डाली कि एनसीपी के तमाम बड़े चेहरे भाजपा के समर्थन में आ गए। इन लोगों ने ना सिर्फ भाजपा को समर्थन दिया बल्कि भाजपा और शिंदे सरकार में शामिल भी हो गए हैं। इसके बाद अब एनसीपी और एनसीपी के सिंबल पर भी अजीत पवार गुट दावा ठोक रहा है। आखिर वो कौन सी सीक्रेट मीटिंग थी जहां शरद पवार को लेकर ये तमाम चर्चाएं की गई, जहां एनसीपी को लेकर ये चर्चा की गई कि कैसे एनसीपी में फूट डाली जाएगी। चलिए उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में जो जानकारी अब तक सामने आई है वो आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। दरअसल 2 जुलाई को अजीत पवार यानी कि शरद पवार के भतीजे ने भाजपा और शिंदे सरकार को समर्थन दिया। इस समर्थन के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे नेता भी एनसीपी पार्टी के साथ साथ भाजपा के साथ चले गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब तमाम एनसीपी के बड़े नेता शिंदे सरकार के समर्थन में आ गए तो एनसीपी किसकी रही? अजीत पवार एनसीपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं और उनका कहना है कि एनसीपी पार्टी ने ही शिंदे सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन शरद पवार का कहना है कि एनसीपी उनकी है। दरअसल 2 जुलाई से पहले एक मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में ये पूरा खाका तैयार किया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया। जानकारों का कहना है कि एनसीपी में बगावत की पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी। इसकी हाई कमान तक को भरक नहीं लगने दी गई। यहाँ तक कि 30 जून को एक बैठक में अजीत पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था। कार्यकारिणी की इस बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया उसमें लिखा गया था कि एनसीपी लोगों के कल्याण के उद्देश्य से दूर जा रही है। ऐसे में शरद पवार की जगह अजीत पवार को अध्यक्ष चुना जाता है। अजीत गुट ने 30 जून को मुंबई में कार्यकारिणी की बैठक होने के बारे में जानकारी दी। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में भी दावा किया है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी। ये बैठक बेहद सीक्रेट रखी गई थी। इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया है जिसमें लिखा गया कि आम राय से शरद पवार को हटाकर अजीत पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष चुने जाने का फैसला लिया गया। बैठक में ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। इतना ही नहीं, अजीत गुट ने उसी दिन चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा और पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा भी ठोक दिया। अब पार्टी और सिंबल को लेकर शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों ही चुनाव आयोग के सामने पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने दोनों को अपने समर्थन में दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है, लेकिन शरद पवार के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। वहीं अजीत पवार का ये कहना है कि बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ भाजपा और शिंदे सरकार का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच चुकी है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर एनसीपी किसकी होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।